गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ चार। पाठ का नाम है शब्द और वाक्य, मीन्स वर्ड एंड सेंटेंसेस। बाजार, महल, ताज, कबूतर। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम शब्द हैं। मतलब ये क्या है, सभी शब्द। ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं, जैसे बाजार। क्या बना? बाजार। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दे तो शब्द बनेगा रजाबा। रजाबा, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। बाजार, महल, ताज, कबूतर आदि शब्दों से किसी न किसी अर्थ का बोध होता है, इसीलिए ये शब्द हैं। पर रजाबा, भूतरक, हलम आदि शब्दों से किसी भी अर्थ का बोध नहीं होता है, इसीलिए ये शब्द नहीं है। तो क्या सीखा हमने? परिभाषा में दोष या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे घर, घर और र मिलके क्या बना? घर। कमल, तीन वर्णों से मिलके क्या बना? कमल। गीता, गीता। कागज, कागज। शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं, जैसे अध्यापक, पुस्तक, सैनिक। इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों से कुछ अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे बताकी, मलक, खट, जग का, लाम का आदि। मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो क्या समझा हमने अभी तक? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, और शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। हम सिर्फ सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। ये सार्थक शब्द समूह पूरा पूरा अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे अखबार रहे हैं पढ़ पिताजी। दूसरा है माताजी बना रही है भोजन। उपरोक्त दोनों वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर नहीं लिखा गया है, इसीलिए ये अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, अतः ये वाक्य सही नहीं है। मतलब इन वाक्यों में जो शब्द है सही क्रम से नहीं लिखे गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए सही नहीं है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही है। इन दोनों वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर रखा गया है, जिससे ये वाक्य सार्थक हैं, क्योंकि इनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। तो क्या सीखा हमने? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। सामान्य रूप से वाक्य के दो अंग होते हैं,
मतलब वाक्य दो अंगों से मिलकर बनता है। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य में कौन आता है? कर्ता, मतलब काम करने वाला। दूसरा है विधेय। विधेय मतलब क्रिया। वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है वो होता है विधेय, और क्रिया कौन कर रहा है वो कहलाता है कर्ता, अर्थात उद्देश्य। तो वाक्य के दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रानी गा रही है, इसमें रानी उद्देश्य है क्योंकि काम कर रही है। क्या काम कर रही है? गा रही है। तो गा रही क्या हो जाएगा? विधेय, मतलब जो काम कर रहा है वो उद्देश्य, और क्या काम कर रहा है वो विधेय कहलाता है। मोहित पढ़ रहा है, इसमें मोहित क्या है? उद्देश्य, मतलब कर्ता। और पढ़ रहा है क्या है? विधेय, अर्थात क्रिया। कई बार एक शब्द भी वाक्य का काम करता है, जैसे ठीक, क्या, अच्छा आदि। आओ दोहराएं। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता या क्रिया का होना आवश्यक है। सामान्य रूप से वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।